आपका पार्षद आपके द्वारा कार्यक्रम अंतर्गत अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित युवा नेता जीतू राठखेड़ा पहुंचकर घर घर जाकर सुनी समस्या किया निराकरण। पौरी में नगर परिषद गठन के बाद आज आपका पार्षद आपके द्वार कार्यक्रम अंतर्गत वार्ड क्रमांक 7 में अध्यक्ष रश्मि नेपाल धाकड़, उपाध्यक्ष कृष्णकांत लता, संजीव शर्मा, युवा भाजपा नेता जीतू राठखेड़ा, वार्ड 7 की पार्षद तराना खान सहित सीएमओ तेज सिंह यादव सहित नगर परिषद का अमला मौजूद था। राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा के निर्देश में आज नगर परिषद में आपका पार्षद आपका द्वार कार्यक्रम का आगाज किया गया। इस कार्यक्रम में पूरी नगर परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष और पार्षद आपके वार्ड में घर घर जाकर समस्या सुनेगा और निराकरण करके यदि कोई गंभीर समस्या है तो परिषद से आगे निराकरण किया जाएगा। आज युवा नेता जीतू राठखेड़ा ने कहा कि मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा के निर्देश में हम पोहरी को आगे कुछ वर्षों में बहुत अच्छी तरह सुंदर बना देंगे, लोग देखें कि विकास पोहरी में हुआ है। सर, आप हर वार्ड में घूम रहे हैं, क्या लक्ष्य है और क्या प्लान है जिस पर हर वार्ड में जा रहे हैं? पौरी क्षेत्र के विधायक, मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण राज्य मंत्री परम सम्माननीय सुरेश जी राठखेड़ा जी ने हमें निर्देश दिए थे। जिस समय पौरी नगर परिषद का गठन हुआ था उस समय मुझे निर्देश मिले थे कि पौरी के प्रत्येक वार्ड में एक दिन आप निश्चित करें और प्रत्येक वार्ड में घर घर जाकर उनकी समस्याएं सुने और जिन मौके पर जिनका निराकरण हो सके मौके पर करें और यदि जो लंबी है तो उसका परिषद के समक्ष जाकर निराकरण कराएं। तो हमारी पूरी परिषद ने माननीय अध्यक्ष जी, माननीय उपाध्यक्ष जी, पूरी परिषद माननीय मंत्री महोदय को ये आश्वस्त किया था कि हम प्रत्येक मंगलवार को एक वार्ड का चुनाव करेंगे और वहाँ घर घर जाकर उनकी समस्याएं सुनेंगे, जितना संभव होगा त्वरित निराकरण होगा और यदि समस्याएं लंबी हैं सीसी रोड नाली निर्माण की तो उन्हें हम परिषद में रखकर स्वीकृत कराकर उनका भी निराकरण करने का प्रयास करेंगे। माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देश के पालन में आज हम वार्ड क्रमांक 7 पौरी के किले के अंदर पूरी परिषद, हमारी माननीय अध्यक्ष जी, माननीय उपाध्यक्ष जी, पार्षद जी, माननीय जीतू भैया और हमारे पूरे कर्मचारी आज घर घर जाकर दस्तक दे रहे हैं। जिनकी जो समस्याएं हैं राशन कार्ड की, पात्रता पर्ची की, संबल योजना की, कर्मकार मंडल की, अन्य जो भी नल की या लाइट की, तो जो आज जो संभव हो रही है उनका निराकरण तो हम मौके पर कर रहे हैं और जो बाकी उनकी लंबी समस्याएं हैं जैसे सीसी रोड की मांग की जा रही है, नाली की मांग की जा रही है, जहां जहां नाली और सीसी रोड की आवश्यकता होगी वहां हम हमारी पूरी परिषद मिलकर उनका निराकरण करने का प्रयास करेगी। नगर परिषद के साथ आप वार्ड वार्ड घूम रहे हैं, क्या ये पहला आपने शुरू की बताएं? ये आपके सेवक सुरेश राठखेड़ा जी का एक संकल्प था कि पौरी नगर परिषद प्रथम बार नगर परिषद का गठन हुआ तो क्यों ना इस मध्य प्रदेश में इस पौरी विधानसभा की इस पौरी नगर परिषद एक अम्बल दर्जा रख सके। इसमें इस पहल में अतुलनीय प्रयास और सहयोग हमारे आदरणीय सीएमओ साहब का, इनने वो सोच माननीय आपके सेवक सुरेश राठखेड़ा जी के समक्ष रखी, माननीय आपके अध्यक्ष रश्मि भाभी जी के पास रखी, माननीय उपाध्यक्ष के पास रखी और माननीय सभी पार्षदों के पास रखी। हमने संकल्प लिया है कि हर घर में जाके उनकी समस्याओं को हम सुनेंगे और जब दोबारा 3 महीने बाद उसी वार्ड का दोबारा नंबर आएगा तब तो उस समस्या को हल करके उनको देंगे। यही संकल्प लेके हर घर हर वार्ड में जा रहे हैं।